आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ अहम हथियार ये माने जाने वाली कोरोना वैक्सीन ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। भारत में 150 कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों से चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर पर भी पीएम चर्चा कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अपने बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा चुकी है। अब साथ ही सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कमर भी कस ली है और अब बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेजी से हो रहा है और नया लक्ष्य हासिल करने की ओर भारत बढ़ रहा है। तो देश में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जिसके बाद पीएम आज चर्चा करेंगे। अहम चर्चा है ये, जहां स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा की जाएगी और लाभार्थियों से भी चर्चा की जाएगी। खुद पीएम चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले एक डर का माहौल था, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे वैक्सीन पे, लेकिन जब ये वैक्सीन आई और लोगों ने वैक्सीन ली, एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेकर जब वैक्सीनेट हुए तो देश में ये देखा गया कि जो कोरोना था उसकी रफ्तार जो है तेज होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं रही। तो वैक्सीन लेने वाले लाभार्थियों से भी बात करेंगे आज पीएम मोदी, और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों से भी बात करेंगे, क्योंकि कोरोना की जो भयावह स्थिति थी उस बीच में जब स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों का टीकाकरण किया है, तो उस वक्त जो माहौल था उसमें कई डॉक्टर्स, कई स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना संक्रमित हुए। जब पूरा देश लॉकडाउन में घर पे बैठा था, तो उस वक्त डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी थे जो लोगों के बीच, कोविड पेशेंट्स के बीच थे। तो आज की ये बैठक, आज की ये चर्चा अहम है, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी और लाभार्थी दोनों से ही बात करेंगे पीएम। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज कीर्तिमान स्थापित हुआ है, 150 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा हो गया है, अहम दिन है, क्या कहेंगे? शिखा, लक्ष्य तो पूरा हो गया है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है। और अगर 150 करोड़ वैक्सीनेशन लगा है तो इसकी ये बात ये भी साफ है कि क्योंकि वैक्सीन की दोनों डोज लगती है और वैक्सीन की दोनों डोज लगते ही चलते, तो ये माना जाए कि ये अभी तक जो आंकड़ा हमारे देश की आबादी लगभग 135-136 करोड़ के लगभग है, तो माना सकता है कि ये अभी लगभग लगभग ये मान लीजिए अगर 150 करोड़ हुआ है तो अभी आधे से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। तो खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक हम जो इसके ओमिक्रॉन की जो हम देख रहे हैं, जो इसके हमारे जो रेशियो आ रहा है, जो रिसर्च आ रही है, वो ये आ रही है कि जिसको वैक्सीन लगी है उसको ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हो रही है, उसकी समस्या नहीं हो रही है और मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। तो और निश्चित रूप से जिस तरह से 150 करोड़ जितनी तेजी से हमने वैक्सीनेशन किया है, वो निश्चित रूप से उसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। और लगातार चूंकि शुरुआत में मैं देखा था कि लोग वैक्सीनेशन लेने से कटरा रहे थे, डर रहे थे, कोई अजीब सा उनका डर था, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद अमूलन जब भी कोई भी वैक्सीन हम लेते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी की वैक्सीन हो, तो अमूलन हल्का सा बुखार या कुछ ऐसा कुछ आता है जिससे चलते लोगों को लगता था कि हाँ बुखार हमको आ रहा है तो कोई समस्या ना हो। तो हालांकि लोग शुरुआत में कतराए थे, पर अब लगातार लोग इसमें बिल्कुल सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और केवल स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं, जो हमारे समाज प्रतिनिधि है, चाहे वो पार्षद हो गए, चाहे विधायक हो गए, चाहे जो समाज संगठन हो गए, चाहे वो हॉस्पिटल हो गए प्राइवेट, वो लगातार वैक्सीनेशन के लिए कैंप भी लगा रहे हैं और सभी जगह जाकर वैक्सीनेशन के लिए अभियान को रूप में चला रहा है, जिससे आज जो ये आंकड़ा पार हुआ है, 150 करोड़ का जो आंकड़ा पार हुआ है, ये सभी लोग इस बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आज कोरोना की जो तीसरी लहर चल रही है, लगातार केस हमारे देश में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में लगातार केस आ रहा है, दिल्ली में भी केस आ रहा है, अगर मुंबई की बात करें कल मुंबई में 20,000 के लगभग केस आए थे, तो चिंता की विषय भी है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा हैरान भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से अभी 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक अभी लगभग 3 तारीख को प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने कहा था चुनाव नहीं टाले जाएंगे, पर अब मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी बड़ा फैसला ले। और अगर जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं वो भी चिंताजनक है। और मैं बता दूं उसके साथ ही साथ ये बूस्टर डोज है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, उसकी भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि बूस्टर डोज कई देशों में लगाई जा रही है, बूस्टर डोज जाकर मिल रहा है और ओमिक्रॉन से आदमी बच पा रहा है। जी गौरव, क्या स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और लाभार्थियों से आज चर्चा के दौरान क्या बूस्टर डोज का ही ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी?
बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि बूस्टर डोज की लगातार बात चल रही थी, बूस्टर की जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो पुलिस विभाग के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो लगातार कोरोना के समय काम किए हैं, तो उनको इस बीमारी से बचाने के लिए बूस्टर डोज दी, क्योंकि जो एक रिसर्च जो सामने आई उसमें उसमें कहा गया है जिनको 6-8 महीने पहले वैक्सीन लगी थी उनकी जो एंटीबॉडी है वो आधी हो चुकी है, तो एंटीबॉडी आधी होने के चलते उनमें संक्रमण से बचने की क्षमता जो है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। इसी तरह से बूस्टर डोज की यहाँ पर बात चल रही है और निश्चित रूप से बूस्टर डोज का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि बच्चों के लिए भी उन्होंने एहतियातन 3 जनवरी से, आपको पता है कि 3 जनवरी से एक वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया है जिसमें से आपको 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन अभियान चल रहा है। तो चरणबद्ध हमारे देश में अभियान चलाए गए, पहले मैं बता दूं पहले जो हमारे अभियान था उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाएगी, उसके 45-60 साल से लेकर 60 साल तक के बुजुर्गों को वैक्सीनेशन लगाएगी, उसके बाद फिर 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाई हो। अब जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है वो आपको 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए शुरू हुआ है, जो बेहतर पहल रहेगी और जितना वैक्सीनेशन होगा उससे हमारे देश को लाभ होगा, हम किसी लहर से बच पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो बूस्टर डोज का भी ऐलान कर सकते हैं, आज स्वास्थ्यकर्मी और लाभार्थियों के साथ बात करेंगे पीएम मोदी, क्योंकि जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं वो लगातार कोरोना संक्रमण से घिरे हुए हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीज उनसे घिरे रहते हैं और उनको इस बूस्टर डोज की काफी जरूरत है ताकि वो कोरोना से लड़ भी पाए और साथ ही साथ कोरोना संक्रमितों का ध्यान रख पाए और उन्हें ठीक करने में मदद कर सके, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है और जिस तरह से विशेषज्ञों ने बात कही थी कि तीसरी लहर आएगी और उसकी दस्तक दिखाई दे रही है और जिस तरह से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, तो ये काफी अहम हो जाता है कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज मिले। रुक करते अगली खबर की तरफ। देश के तमाम राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो कि डर की वजह भी बन रहा है। यहां हर दिन मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद अब यहां सक्रिय मामलों की संख्या 8000 का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि प्रदेश में सक्रिय मामले केवल एक दिन में 37% से ज्यादा बढ़कर 8224 हो गए हैं। वहीं नए मामले 24 घंटे में उसी दर से दोगुने हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक अकेले गौतम बुद्ध नगर में राज्य के कुल सक्रिय मामलों का 1/5 हिस्सा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में नोएडा में सबसे ज्यादा 600 नए मामले सामने आए हैं, वहीं लखनऊ में 408 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में नोएडा में 1706 और लखनऊ में 1153 एक्टिव केस हो गए हैं। तो एक ही दिन में उत्तर प्रदेश में 3000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो कि चिंताजनक बात है। एक दिन में 37% से ज्यादा मामले बढ़कर अब एक्टिव केस की संख्या प्रदेश में 8224 हो गई है। तो उत्तर प्रदेश को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, लोगों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि चुनावी माहौल है और जिस तरह से बेधड़क लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं और बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के अपनी और अपनों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये पूरे प्रदेश के लिए ही नहीं देश के लिए भी खतरा बन सकता है, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो तेज नजर आ रही है और बात करें ओमिक्रॉन की तो वो भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो कोरोना का प्रकोप एक बार फिर देखने को मिल रहा है और कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि जहां कुछ दिनों पहले तक ही 6 मामले 7 मामले पूरे राज्य से सिर्फ 20 और 30 मामले सामने आ रहे थे, वहीं 3000 मामले सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय है। ये बता रहा है कि 3 से 30 होने में वक्त नहीं लगेगा अगर हम जागरूक ना हुए तो। तो हमें जागरूक होने की जरूरत है ताकि हम कोरोना को हरा सके। ये डर का माहौल पैदा करने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के मामले डर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो हालांकि ये गंभीर स्थिति तो पैदा नहीं करेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए जरूर गंभीर हो सकता है जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या फिर जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो रहे, क्योंकि वो कोरोना के मामलों से घिरे हुए हैं, कोरोना संक्रमितों से घिरे हुए हैं और उनके जो वैक्सीनेशन का समय था उसको भी काफी वक्त बीत चुका है और उनकी जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे लो हो रही है और इसी के लिए बूस्टर डोज भी अब आ रही है। लेकिन हमें जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है और अभी ऐसे छोटे बच्चे भी देश में मौजूद हैं जिनके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और बड़ों से ही उनमें भी ट्रांसफर हो सकता है कोरोना। तो बचाव ही एकमात्र तरीका है जिससे हम बच्चों को, बुजुर्गों को और बीमारों को कोरोना की
बीमारी से, कोरोना संक्रमित होने से बचा सकते हैं। एक बड़ा मामला सामने आया है, 37% से ज्यादा मामले बढ़ गए हैं, 8,224 मामले अब सक्रिय हो गए हैं प्रदेश में। ये सक्रिय मामले हैं इस वक्त मौजूदा समय में, और बात करें 24 घंटे की तो 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अब दिक्कतों की वजह भी बन सकते हैं, क्योंकि 3,000 मामले कितने लोगों में स्प्रेड हुए होंगे अब ये भी एक चिंता का विषय। हालांकि सरकार सतर्क है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है और ट्रीटमेंट भी कर रही है। इसके तहत हम कह सकते हैं कि काम तो हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अपने तरीके से काम कर रही है, हमारे स्वास्थ्यकर्मी भी लगातार काम कर रहे हैं और जो संक्रमित हैं उनका प्रॉपर इलाज करके उनको संक्रमण से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। तो हमारे पास जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो डॉक्टर्स की आंकड़े हैं, यानी कि हमारे बीच जितने भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो अगर कोरोना की स्थिति और बिगड़ती है तो हमारे पास इतना स्टाफ नहीं होगा कि हम स्थिति फिर से नियंत्रण में ला सके। अभी स्थिति नियंत्रण में है तो हमें जागरूक होने की जरूरत है और मास्क का उपयोग करने की जरूरत है। हमने जो व्यवहार अपनाया था जब दूसरी लहर आई थी, पहली लहर आई थी, तो जिस तरह से हम लगातार हाथ धोते थे किसी भी चीज को छूने के बाद, घर से बाहर निकलने के बाद और घर में आने के बाद जिस तरह से सैनिटाइजर का उपयोग करते थे और बाजार में दूरी बना के रखते थे, बेवजह घर से बाहर नहीं जाते थे, तो इन सब चीजों का पालन करना है, जागरूक होना है। अगर आपके आसपास कोई लापरवाही करता दिखता है तो उसे भी जागरूक करना है। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसकी वजह आम जनता, आम नागरिक ही है, क्योंकि जब कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो हम सीधे तौर पर शासन प्रशासन पर उंगली उठाते हैं कि उनकी गलती है, उनकी कमी है, लेकिन हम अपनी गलतियां, अपनी कमियां नहीं देखते हैं कि हम ही लापरवाह हो गए थे जिस वजह से कोरोना हम पे हावी हो गया है। तो अपनी सुरक्षा खुद करिए और साथ ही साथ अगर आप अपनी सुरक्षा करते हैं, अपनों की सुरक्षा होगी और इसी तरह से एक परिवार से सभी परिवारों परिवार सुरक्षित रह सकेंगे और पूरा देश कोरोना को हराने में सफल रहेगा। तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि देश को बचाना है उसके लिए राज्य को बचाना पड़ेगा, और राज्य को बचाना है तो अपने जिले, अपने परिवार को बचाना होगा, उसके लिए सबसे पहले खुद को बचाना होगा। तो एक बार फिर ये समय आ चुका है कि जब आप कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल है उनका पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना जाएं। कुछ दिन अगर आप घर पे रहते हैं तो कोरोना को हम हरा सकते हैं। अगर बात करें देश के बाकी राज्यों की तो सभी जगह से कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई हैं, उनसे बाहर से लोग आ रहे हैं, तो कोरोना संक्रमण का प्रसार भी हो रहा है, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी बना हुआ है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो गाजियाबाद, नोएडा, ये ऐसे राज्य जहाँ पे इस वक्त सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अलग अलग जिलों में मामले जो सामने आ रहे हैं वो काफी परेशानियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से स्वास्थ्यकर्मी हमारे बीच संक्रमित हो रहे हैं, अब ये खबर सामने आ रही है कि स्वास्थ्यकर्मी लगातार संक्रमित होते नजर आ रहे हैं और आम जनता भी संक्रमित हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के इतने मामले सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो भी लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स आए हैं वो अभी शहरों में हैं और उनसे अभी गांव की तरफ कोरोना का प्रसार नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वहां पे इतनी टेस्टिंग और ट्रेसिंग नहीं हो रही है कि हमें इस बात का पता चले कि वहां पे हुआ है कोरोना का प्रसार या नहीं हुआ है। तो जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां की जो ग्रामीण जनता है वो अभी इतनी जागरूक नहीं है, वहां पे इतनी सुविधाएं भी नहीं है कि उतनी तेजी से सबका टेस्ट किया जा सके। तो हर एक जगह पर अभी कोरोना के मामले नहीं पहुंचे और पहुंचना भी नहीं देना है, हमें खुद सतर्क रहना है। अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं कोरोना के तो आइसोलेट हो जाइए, अपनी जांच कराइए, समय पर जांच कराना ही एकमात्र उपाय है, आप बच सकते हैं, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 3,000 मामले सामने आए बीते 24 घंटे में, और 3 से 6 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है कोरोना को, तो क्या कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए हमें? जी शिखा, अगर बात करें तो देश भर में जो 9 महीने के बाद 1,16,000 केस
पूरे देश भर में 24 घंटे के अंदर आया है। ये आंकड़ा 9 महीने बाद आया है। वहीं अगर बात करें तो 51,000 जो केस है वो मुंबई और दिल्ली को मिला के है। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी कल कोरोना का बम फूटा है। कल 3,021 मामले आए हैं। अगर बात करें तो लखनऊ के अंदर में कल 408 मामले आए हैं। और इसी सब मुद्दों पे ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक भी करने का एक संदेश भी दिया है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना का जो ये मामला बढ़ता जा रहा है ये लोगों की खामियों की वजह से बढ़ रहा है। जो अब रैलियां हो रही हैं और मार्केट में जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, वहीं लखनऊ में जो लखनऊ के DM है अभिषेक प्रकाश, उनके तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है कि नो मास्क नो सामान। और बात करें तो आपको कि नो मास्क और नो सामान जो है ये पूरे देश में लागू करना चाहिए, जिससे लोग मास्क भरसक लगाएं, जिससे उन जब वो मार्केट में जाते हैं और उनको सामान लेने में दिक्कतें होती हैं तो तब वो जरूर मास्क लगाएंगे। और वहीं बात करें तो कल इटली से अमृतसर एक फ्लाइट आई थी जिसमें 182 लोग बैठे थे। उस 182 लोगों में जब उनकी जांच की गई तो 7 लोग मौके से गायब हो गए और एयरपोर्ट प्रशासन को चकमा दे दिए और वहां पे 110 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इससे साफ तौर पे कह सकते हैं जो यूरोप के देश है जहां कोरोना ज्यादा पीक पे पहुंच गया है, तीसरी वेव पूरी तरह से वहां सक्रिय हो गई है, तो इससे साफ तौर पे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों पे जल्द ही उड़ान रद्द की जाएगी। जी अगर बात करें विभांशु आम लोगों की तो बाजार में कैसे नजारे देखने को मिल रहे हैं, क्या लोग मास्क लगा रहे, क्योंकि इससे पहले जो सख्ती करी गई थी प्रशासन द्वारा तो लोग मास्क लगा के निकल रहे थे वरना उनको चालान किया जा रहा था, तो क्या एक बार फिर सख्ती का दौर आ रहा है, क्या चालान करने की ही जरूरत है, जब चालान होगा तभी लोग जागरूक होंगे। जी अगर बात करें हम लखनऊ की तो लखनऊ में भरसक लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बस मॉल वगैरह जाने में जहां गार्ड तैनात हैं वहां मास्क लगा के एंट्री ले रहे हैं। और अगर जो प्रशासन की तरफ से जुर्माना तय किया जाए कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन्हें जैसे पिछली जो दूसरी वेव थी उसमें 1,000 रुपए उन्हें जुर्माना देना पड़ रहा था, जिसके डर से लोग मास्क लगा रहे, तो फिर ऐसा एक प्रावधान करना पड़ेगा जिससे लोग फिर से मास्क लगाएं और सतर्क रहें और सचेत रहें और सावधान रहें, जिससे कोरोना को मात दे सके। और बात की जाए अगर वैक्सीन की तो अब तक उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ लोगों को पहली डोज लगा दी गई है और 7 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लगा दी गई है। वहीं बच्चों की पहली डोज की अगर बात करें तो उसकी जो रखा गया था कि 30 लाख बच्चों को डेली लगाया जाएगा प्रदेश भर में, वो भी सीमा छू रहा है और वैक्सीनेशन हो रहे हैं। वहीं बच्चों की वैक्सीन के लिए 24 घंटे का इंतजामात लखनऊ में किया गया है, सिविल अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल में 24 घंटे टीके लगाए जा रहे हैं। जी अगर बात करें ओमिक्रॉन के मामले की तो लखनऊ में कितने मामले अभी तक सामने आए हैं? जी सबसे ज्यादा प्रदेश भर में ओमिक्रॉन के मामले लखनऊ में है। लखनऊ में अब तक 8 मामले आ चुके हैं और वही अगर देश भर में बात की जाए तो 1700 मामले ओमिक्रॉन के देखे गए हैं। एक्टिव मामले अभी 1700 हैं और ओमिक्रॉन में की तरफ से एक बयान भी आया है जिसमें डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन जो है वो एक नॉर्मल सी सर्दी बुखार है और कुछ नेता भी भाषण में दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ओमिक्रॉन से कैसे निपटते हैं और कैसे अब जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे विदेशों के अंदर में कुछ नए वेरिएंट भी आ रहे हैं, और वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन जितना फैलेगा उतने नए वेरिएंट के आगमन को लोग दावत देंगे, तो अब लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है। वहीं विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। वहीं राजनीतिक दलों के द्वारा जो रैलियां की जा रही है उसमें आपने देखा कि लखनऊ में 2 तारीख को 2 जनवरी को अरविंद केजरीवाल आए थे, उनकी रैली के दौरान वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद जो भी वैली में मंच पे बैठा था वो सब लोग आइसोलेट कर गए। और वहीं जौनपुर में अनुप्रिया पटेल के पति भी पॉजिटिव हैं, अनुप्रिया पटेल पूरी तरह फिट है, अफवाहें चली कि वो पॉजिटिव है मगर उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि मैं पूरी तरह फिट हूँ। और इसी सब चीजों को देखते हुए अपना दल ने भी अपनी सारी वैलियां कैंसिल कर दी और कांग्रेस ने भी कैंसिल कर दिया। और कल मुख्यमंत्री को नोएडा जाना था के लिए तो उसको भी उन्होंने रोक दिया, उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। वही प्रधानमंत्री को कल दीक्षांत समारोह में लखनऊ आना था
तो उसे रोक कर और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना को भेज दिया गया। तो यही सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब राजनीतिक दलों को अगर अपनी बात को रखना है और लोगों तक पहुंचना है तो वर्चुअल तरीके से करें। जैसे आज प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी की वर्चुअल मीटिंग कोरोना के रोकथाम को लेकर रखी गई है। जी, तो हम कह सकते हैं कि अब राजनीतिक दल सतर्क हो गए हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सही फैसले ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, चुनावी माहौल भी है, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो अब सतर्क नजर आ रहे हैं, अपनी रैलियों को टालते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।